हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी का स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेब्स के बारे में। वेब्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, क्या है? मान लीजिए कि आप एक समुद्र के किनारे खेल रहे हैं फुटबॉल, ठीक है, तो और अनफॉर्चुनेटली वो बॉल किसी तरह पानी में चला गया। तो सवाल यह आता है कि पानी में जो बॉल चला गया वो कैसे आएगा किनारे तक? आप देखे होंगे कि वो बॉल अपने आप ही किनारे तक आ जाता है। तो अभी सवाल आता है कि वो बॉल कैसे आया किनारे तक, कैसे आया? इसका कारण ही है वेब्स। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला बात वेब्स के बारे में, जो पहला बात, वेब्स क्या है? ठीक है, पहला बात वेब्स क्या है। दूसरा बात, व्हाई वेब्स क्यों होता है, दूसरा बात। एंड तीसरी बात, व्हेन वेब्स कहां पर होता है, यह तीसरी बात। और चौथी बात जो है वो है कितने टाइप्स का है। हो सकता है कितने टाइप्स का हो सकता है, क्योंकि सबकी टाइप्स है ना, तो वेब्स के भी टाइप्स हो सकता है, मान लीजिए। तो अभी हम इन चारों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये जो चारों है वेब्स के बारे में, हम इसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आएंगे हम व्हाट, वेब्स क्या है, ठीक है। तो आप देखे होंगे ये जो वाटर है ना, वाटर राइज होके फल, राइस होके फल होता है, जो वाटर की जो राइस एंड फल, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेब्स। राइस एंड फल, वाटर की राइस एंड फल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेब्स, ठीक है। अब यह हो गया क्या, व्हाट, व्हाट का आंसर आप पा गए, राइस एंड फल जो होता है वाटर, तो उसे हम वेब्स बोलते हैं, ठीक है। एंड दूसरा बात अभी आएंगे, व्हाई क्यों होता है ये, उसका आंसर विंड, विंड के कारण ही ये वेब्स होता है, विंड के कारण ये वेब्स क्रिएट होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि विंड के वजह जो ये वेब्स क्रिएट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, Why? पहला सवाल, विंड के वजह से क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है, हमारा जो विंड है, विंड यहाँ से बहने लगी, ठीक है। मान लीजिए ये वाटर है, विंड यहाँ से बहने लगी, तो विंड क्या चाहता है कि वो तो जाएगा, उसके साथ जो यहाँ पर जितने पानी है उसको भी वो साथ में लेकर जाएगा, ये विंड चाहता है ऐसा, ठीक है। तो विंड क्या करता है, ये जो पानी को वो साथ में लेकर जाता है, लेकिन ये जो पानी था इसमें, इसके आगे जो भी पानी है वो कंस्टेंटली रहता है, इसको जब भी पानी को लेकर जाता है तो ये पानी अंदर चला जाता है, अंदर जाने के बाद जब ये ऊपर उठता है तो इस पानी को भी वो साथ में उठा लेता है ऊपर। तो जब ये उठ जाता है तो ऐसे पानी फिर रिवर्स आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही वो वेब्स ऐसे ही, तो ये जब रिवर्स आता है ये फिर से यहाँ पर उठ जाता है, तो ये जो वेब्स है ऐसे ही पानी का वेब्स क्रिएट होता है, ठीक है। ये विंड्स के वजह से ऐसे ही पानी जो वेब्स जो है ऐसे ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि विंड के वजह से क्यों हो रहा है, तो ये हो गया वाई, व्हाट भी हो गया, व्हाई भी हो गया, ठीक है। अभी आते हैं हम व्हेन, कहां पर ये वेव्स क्रिएट होते हैं। ये जो कहां पर सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है। ये ओनली ओशियन जो है, ओशियन पर ही ये क्रिएट होता है, ये किसी भी नदी या पॉन्ड्स इसमें क्रिएट नहीं होता वेव्स, ठीक है। ओनली ये ओशियन में ही क्रिएट होता है वेब्स, इसका वेन का मतलब क्या हो गया, ओशियन में, ठीक है। अब
आएगा क्या सवाल, हाउ मैनी टाइप्स, तो कितने टाइप्स का वेब्स हैं। वेब्स जो है वो टू टाइप्स का वेब्स है, ठीक है। एक है स्लोली मूवमेंट करता है, जो फर्स्ट जो है स्लोली मूवमेंट करता है फर्स्ट वेव, एंड जो दूसरा वेव है वो फास्टली मूव करता है, ठीक है। ये दोनों टाइप्स का वेव्स है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इन दोनों टाइप्स के वेव्स के बारे में, ठीक है। चलिए पहले हम बात करेंगे स्लोली मूवमेंट्स वाला वेव्स के बारे में, ठीक है। मान लीजिए आप समुंदर के किनारे बैठे हुए हैं, तो उसमें स्लोली स्लोली हवा जो है वो बह रहा है, ठीक है। तो जब स्लोली विंड मूविंग करता है, तो पानी का जो विंड्स जो वेव्स है वो भी स्लोली स्लोली वेव्स आता है पानी में, ठीक है, जो कि आपके पैरों में छू के जाता है वो जो समुंदर के जो वेव्स है, ठीक है। इसी को हम स्लोली मूवमेंट वाला वेव्स बोलते हैं, ठीक है, जो आपके पैरों को छू के जाता है स्लोली स्लोली। लेकिन अभी क्या बात करेंगे फास्टली मूविंग वाला वेव्स, वो कैसे होता है। जब विंड का स्पीड स्लोली नहीं होकर फास्ट वेरी फास्ट हो जाता है, जब विंड का स्पीड वेरी फास्ट हो जाता है तो पानी का भी मूविंग का स्पीड वेरी फास्ट हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, वेरी ह्यूज ह्यूज वेव क्रिएट होता है, ठीक है। ये जो वेरी फास्ट होता है जो हमारा विंड एंड उसको पानी का जो मूवमेंट, इसके वजह से ह्यूज वेव्स, ठीक है, ह्यूज वेव्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो जब ह्यूज वेव्स क्रिएट होता है तो वो आपके पैरों को नहीं आपको ही डुबा कर ले जाता है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसी को हम फास्टली मूविंग वाला वेव्स कहते हैं, जिसका कि एग्जांपल हम देख दे सकते हैं सुनामी, आप देखे होंगे सुनामी कभी, ठीक है। तो उसे हम सुनामी कहते हैं, वो है फास्टली मूविंग वाला वेव्स, ठीक है। अभी आता है, अभी एक क्वेश्चन रह गया है हमारे मन में, एक क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है कि ये जो जो वेव्स है वो क्या एक ही तरह से क्रिएट हो सकता है क्या, मतलब एक ही जो है विंड, विंड की वजह से ही क्या क्रिएट हो सकता है और किसी की वजह से नहीं हो सकता, उसका आंसर भी है हमारे पास, ठीक है। ऐसे तो तीन चार वजह है जिसके वजह से हमारे वेव्स क्रिएट हो सकता है, तो वो क्या है। पहला वो है अर्थक्वेक, जैसे कि आप जानते हैं पानी के अंदर जब अर्थक्वेक हो जाता है तब वेव्स क्रिएट करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या, यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट अर्थक्वेक, सेकंड जो है वो वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, एंड थर्ड जो है वो क्या है अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो ये तीनों टाइप से जो तीनों वजह है वेव्स क्रिएट करने के लिए, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कि समुंदर के अंदर भूकंप आ गया, ठीक है। जब हमारे इधर जो भूकंप आता है तो कितना नुकसान होता है, तो अगर समुंदर के अंदर भूकंप आता है तो क्या क्या हो सकता है आप सोच लीजिए। तो वेव्स कितना बड़ा बड़ा क्रिएट हो सकता है, बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ वेव्स क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्थक्वेक के वजह से वेव्स क्रिएट होता है। अब हम आते हैं वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि अगर वाटर के अंदर, ठीक है, अंडर वाटर अगर लावा निकली, अगर यहाँ से लावा निकलती है ऊपर तक, ठीक है, पानी से अंदर तक, पानी के अंदर से बाहर तक लावा निकलेगी, तो क्या होगा, वेव्स कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि वो जो लावा है वो पानी को फेंक देगा ऊपर को, तो वो जब ऊपर को पानी फेंक देगा तो पानी जो है वो बड़ा बड़ा से ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है वेव्स क्रिएट करेगा, ठीक है। यह है वोल्केनिक इरप्शन के वजह से। देन हम आते हैं क्या लैंड जो अंडर वाटर लैंड स्लाइड्स, ये मेन चीज है, ये कैसे होता है लैंड स्लाइड्स जो अंडर वाटर। अरे भाई पानी के अंदर भी तो ज़मीन है कि नहीं, तो उसमें भी तो लैंड है, तो उसमें भी लैंड स्लाइड्स हो सकते हैं। अगर हमारे इधर लिथोस्फीयर में हो सकता है लैंड स्लाइड्स, तो उधर भी तो हो सकता है, तो वो कैसे होता है। मान लीजिए कि ये एक लैंड है, ठीक है,
ये हमारा लैंड है, तो इस लैंड के बीच में जो है ये फट गया, बीच में से फट गया अर्थक्वेक की वजह से। चलो जब फट गया कोई बात नहीं, लेकिन जब ये इस पार्ट जो है ये जब लैंड स्लाइड्स हो जाएगा, स्लाइड्स मतलब जब थोड़ा धस जाएगा मतलब, ठीक है, ये पार्ट जो है ये अगर धस जाएगा ऐसे तो ऊपरी हिस्सा जो पानी था इसमें जो पानी है वो नीचे चला आएगा, तो नीचे चले आने की वजह से ये ऐसे ही चले आने की वजह से वो से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होने से पानी ऊपर उठ जाएगा, तो ऊपर उठने से वो वेव्स क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे वेव्स क्रिएट होते हैं ये इन तीनों के वजह से, ठीक है। तो ये ओवरऑली आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये तो अभी ख़त्म हो गया, अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइड्स के बारे में, ठीक है। तो अगर इस वीडियो ने आप लोगों को कुछ नॉलेज दिया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा जो अगला वीडियो है टाइड्स का वो आपके पास पहला चला जाए, ठीक है। और आपकी जो इसमें जो भी डाउट्स वगैरह रहता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैंने फेसबुक और इंस्टा का भी लिंक दे दिया है, उसमें भी आप जाकर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।